हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 19.10 के क्वेश्चन नंबर 57 से आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जो कि देख रहे हैं आप 57 एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग इजिली कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसको इक्वेशन वन लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसको करते क्या है, आई बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग ले, ठीक है। तो थीटा पर फ्रेंड्स हमने मान लिया कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, एक्स बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कॉस थीटा हो गया। अब फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको मालूम होगा। इसलिए अगर डी एक्स का यहाँ से वैल्यू निकले तो ये देखिए, ये डी थीटा जो है ये डिवाइड है, इक्वल को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे समीकरण वन से, तो चलिए चलते हैं समीकरण वन से। तो फ्रेंड्स आई बराबर हम लोग का हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो रख देते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, थीटा इंटू थीटा रख देते हैं इंटू डी एक्स, डी एक्स है ना, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो रख देते हैं माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस से बाहर हो गया, तो ये देखिए हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स, इजिली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग करते क्या है, कुछ फॉर्मूले पे लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे, चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का हो जाएगा आई बराबर माइनस है, ठीक है माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम करते क्या है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब टू से मल्टीप्लाई किए तो फिर तो हमको टू से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये इंटू डी थीटा हो गया। अब देखिए जो ये बटा वाला टू है ये कांस्टेंट के रूप में, यानी वन बाई टू जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू। अब फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला मालूम होगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, क्लास इलेवेंथ में पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा साइन टू थीटा, तो थीटा इंटू साइन टू थीटा, और ये इंटू डी थीटा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यू इंटू वी वाले फॉर्म पे आ गया, बस अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए वायलेट फॉर्मूला से यहाँ यू और वी फाइंड कर लेते हैं, करते हैं तो यू का वैल्यू और वी का वैल्यू निकाल लेते, उसके बाद यू इंटू वी वाले फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो वायलेट फॉर्मूला से चलते, आई से इन्वर्स्टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं है, एल से लॉगरिथम फंक्शन भी इसमें नहीं है, ए से अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि है थीटा। तो यू का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा थीटा, और बच गया साइन टू थीटा जो कि वी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन टू थीटा जो है वी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यू इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, उस पर चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा आई बराबर फॉर्मूला होता है यू इंटू, यू का वैल्यू क्या है, थीटा इंटू वी इंटू डी डी एक्स, तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग डी थीटा रखेंगे, ठीक है। तो वी का वैल्यू क्या है, साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी थीटा, यू का वैल्यू थीटा है तो डी थीटा बटा डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी थीटा, वी साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू डी थीटा, और ये इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स चलते हैं और आगे, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा थीटा इंटू साइन का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स माइनस होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ टू थीटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, थीटा के साथ कोफिशिएंट क्या है, टू है, तो टू से डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बटा डी थीटा वन हो गया, इंटू फिर साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू हो गया, और ये इंटू डी थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए उसको हम नोट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ माइनस वन बाई टू है ना, तो माइनस वन बाई टू हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है। तो माइनस वन बाई टू इंटू हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी माइनस वन बाई टू
और ये इनटू हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू, अब मल्टीप्लाई हुआ तो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए वन बाई टू जो है कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए और आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू कॉस का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स क्या होता है तो साइन होता है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स साइन टू थीटा, और थीटा का कोफिशियंट क्या है टू, तो टू से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स और आगे चलते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इतने पार्ट्स को ये यहाँ से इरेज कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू प्लस, ये हो जाएगा फ्रेंड्स वन बाई फोर इंटू साइन टू थीटा, वन बाई फोर इंटू साइन टू थीटा, और ये प्लस सी हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स रखते हैं। तो फ्रेंड्स कॉस टू थीटा का वैल्यू आपको मालूम होगा कि होता है, कॉस टू थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम नोट कर दें, तो चलिए फ्रेंड्स अब ये सब पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। अगर आप नोट करते होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम लोग कॉस टू थीटा का अगर वैल्यू निकाले तो फ्रेंड्स कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए अब यहाँ पे रखेंगे तो पहले माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू टू जा फोर हो गया, फोर हो गया ना। अब फ्रेंड्स और आगे चलते हैं तो देखिए ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वन बटा फोर टू जा एट इंटू साइन टू थीटा, और ये हो गया प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा का, तो थीटा इंटू कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बट्टा फोर हो गया माइनस वन बाई एट इंटू साइन टू थीटा का वैल्यू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस सी हो गया, टू से टू फोर जा एट हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा ये थीटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा टू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन में मल्टीप्लाई हुआ तो केवल थीटा हो जाएगा और बट्टा फोर हो गया, और माइनस ये हो जाएगा वन बाई फोर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, वन बाई फोर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस सी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो फोर है हम दोनों से डिवाइड करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जब टू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो टू से ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर यानी कि थीटा बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा थीटा बाई फोर माइनस वन बाई फोर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा, तो थीटा बाई टू का फ्रेंड्स थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो हो गया फ्रेंड्स कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा बाई फोर, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स तो वन बाई फोर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर इंटू। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस थीटा का वैल्यू है और हमको साइन थीटा का यहाँ वैल्यू लगा है, तो फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ निकाल रहे हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख देते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये पार्ट्स फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं माइनस वन बाई फोर इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू थीटा कॉस थीटा का वैल्यू एक्स यहाँ है, और ये हो गया प्लस सी, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन फ्रेंड्स और आगे चलते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और भी फ्रेंड्स आगे मतलब कि कॉमन करें यहाँ पे, अगर कॉमन करें कॉस इनवर्स, चलिए इसे इरेज कर देते हैं और आगे भी बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम कॉमन करते हैं कॉस इनवर्स एक्स कॉमन करते हैं इस दोनों पार्ट्स में से, तो फ्रेंड्स हम लोग को बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर बच गया,
और माइनस, इसको रखते हैं x बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। अब देखिए फ्रेंड्स और आगे अगर चलते हैं तो देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स x, बट अगर फोर कॉमन कर लें, देखिए अगर यहाँ एलसीएम हम फोर ले लें, ठीक है एलसीएम हो जाना फोर, तो ये टू टू या फोर टू यहाँ मल्टीप्लाई हो, यानी कि टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया और माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, इसको लिख देते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा फोर, लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग इंटू कॉस इनवर्स एक्स और इसके कॉस इनवर्स एक्स के बटा में फोर कर दें और माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स 50 ये जो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है इस बुक में। तो फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें फ्रेंड्स आप मैच कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स आपको उसमें ये आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसको और दूसरे विधि से बता देते हैं, मतलब हिंट दे देते हैं, आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखिए अब इसमें डायरेक्टली अब हम यू और वी फाइंड करते हैं। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइलेट फॉर्मूला से, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले ही है, कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वी का वैल्यू एक्स आ गया। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे यू इंटू वी का जो फॉर्मूला, तो यू इंटू यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, वी का वैल्यू एक्स तो एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यू का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, वी का वैल्यू एक्स एक्स इंटू डी एक्स हो गया और ये इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स होता है माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और ये इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, आपका एक पार्ट्स का हिस्सा मिल गया, जो कि आप देखे थे अगले जो हम अगले बार जो सॉल्यूशन किए थे उसमें आपको मिल गया होगा ये एक पार्ट का हिस्सा, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो गया और देखिए ये बटा में टू है यानी कि वन बाई टू जो है कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं और ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से एक्स बराबर क्या मान लीजिएगा, आप लोग एक्स बराबर मान लीजिएगा कॉस थीटा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं जिस तरह पहले हम लोग करते थे, ठीक है, इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 58 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 58 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया हुआ है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। तो फ्रेंड्स आई बराबर हम लोग का हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम लेट करते हैं लेट थीटा पर फ्रेंड्स हमने क्या मान लिया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करें सेम टू सेम जो अगले 57 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी के जैसा इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाले तो फ्रेंड्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब फ्रेंड्स चलेंगे समीकरण वन से यानी फ्रॉम इक्वेशन वन। अब चलिए समीकरण वन से चलते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन डायरेक्ट वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे पुट करता है, ठीक है, आप इसको नोट भी करके समीकरण वन को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स चलिए हम भी यहाँ नोट कर देते हैं, यहाँ दिया हुआ है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स हम लोग माने हैं इसको आई बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है थीटा इंटू थीटा डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो डी एक्स का वैल्यू कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं और आगे, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अब हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स फार्मूला हमको मतलब बनाने के लिए हम टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं, तो देखिए हो जाएगा थीटा इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
बाई टू इंटू डी थीटा। देखिए फ्रेंड्स, टू से मल्टीप्लाई किए और टू से डिवाइड, फिर कैंसिल हुआ तो जो क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग का वही पार्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अब जो वन बाई टू है ये कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू, अभी जस्ट बताया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ रख देते हैं थीटा इंटू साइन टू थीटा और ये इंटू डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन करना है थीटा इंटू साइन टू थीटा का। तो अब पहले हम लोग यू और वी फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आइलेट फॉर्मूला में जो पहले आता है वो यू हो जाता है। आई से इनवाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं है, एल से लोगरिदम फंक्शन भी नहीं है, एस से अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि थीटा है, यानी कि यू का वैल्यू थीटा हो गया और वी का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा हम लोगों का वन बाई टू इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा इंटू साइन टू थीटा, यू इंटू वी इंटू डी एक्स जो फॉर्मूला आता है, यू इंटू वी क्या इंटीग्रेशन का उस पर चलता है। तो यू इंटू यू का वैल्यू क्या है थीटा, तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा, वी का वैल्यू क्या है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी थीटा, यू का वैल्यू क्या है थीटा ही है तो डी थीटा बटा डी थीटा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी थीटा, वी का वैल्यू साइन, तो साइन टू थीटा इंटू डी थीटा और ये इंटू डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हो जाएगा वन बाई टू इंटू थीटा इंटू साइन का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो माइनस कॉस टू थीटा, और थीटा का जो कोफिशियंट है थीटा के साथ कोफिशियंट क्या है टू है, तो टू से डिवाइड हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बटा डी थीटा का वैल्यू क्या हो गया वन इंटू साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू और ये इंटू डी थीटा, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा वन बाई टू इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और इंटीग्रेट देखिए वन बाई टू जो है यहाँ वन बाई टू है कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए और आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू। तो देखिए फ्रेंड्स ये पार्ट्स दिख नहीं रहे हैं, तो फ्रेंड्स अब हम करते गए कि कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का आई बराबर वन बाई टू इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो हो जाएगा साइन टू थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है टू, तो टू से डिवाइड कर दिए और ये हो गया प्लस सी। अब देखिए वन बाई टू से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाई टू टू जो फोर हो गया। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा देखिए टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, यानी कि वन बाई एट हो जाएगा। ठीक है, वन बाई एट इंटू साइन टू थीटा प्लस सी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कॉस टू थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स कॉस टू थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे वन माइनस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस टू थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स रखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इस ये पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है हम लोग को, अगर आप नोट करते होंगे तो वीडियो पूछ करके नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कॉस टू थीटा बराबर फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं। तो हो जाए फ्रेंड्स माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और ये बट्टा फोर हो गया प्लस वन बाई एट इंटू साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थीटा से, तो देखिए फ्रेंड्स माइनस थीटा से मल्टीप्लाई ना करके देखिए हम करते क्या, माइनस थीटा इंटू यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करें तो फ्रेंड्स हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, माइनस इसमें से हमने कॉमन कर लिया और ये बटा फोर प्लस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा टू फोर जा एट, यानी कि ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा फोर और ये प्लस ये। अब देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यानी कि थीटा इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा फोर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा फोर प्लस सी। अब देखिए थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बट्टा फोर प्लस ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा फोर और प्लस सी। अब देखिए ये फोर से हम दोनों में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा टू टू जा फोर, यानी कि थीटा बाई टू हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा थीटा बाई फोर हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा फोर और ये प्लस सी हो गया। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करते क्या है कि अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू माइनस थीटा बाई फोर। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टा फोर प्लस साइन थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स है एक्स, तो हो गया एक्स इंटू कॉस थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वन माइनस साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो रख देते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा फोर और ये प्लस सी, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं। यहाँ से हमने इतने पार्ट्स को इरेज कर लिया क्योंकि सब वैल्यू तो वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर ला लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन वर्स एक्स माइनस वन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी, ये भी फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 का सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करते क्या है, अब हम लोग इसमें से और इसमें से साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब साइन इनवर्स एक्स कॉमन करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस इसको इसी तरह रखते हैं एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एलसीएम ले ले तो फोर हो गया और ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये हम करते क्या, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहाँ कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स और इसके बटन में हम फोर कर देते हैं और प्लस एक्स बटा फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये भी जो क्वेश्चन है 58 नंबर, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का जो बुक है फ्रेंड्स उसमें ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप उसमें आंसर जाकर मिला लीजिएगा, या तो ये आंसर मिल जाएगा या आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बुक है केसी सिन्हा मैथ का, इसमें फ्रेंड्स जो है इसका आंसर रॉन्ग है हमारे अनुसार। तो फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी में जाकर मैच कर सकते हैं आंसर इसका, या तो ये मिल जाएगा या ये कोई एक मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 के तरफ। तो फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।